तो थोड़े दिनों पहले ना मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई थी, इसका नाम है जेट्रोफा। नर्सरी वाले ने इसको जब मैं खरीद रही थी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन घर पे आने के बाद जब मैंने चेक किया नेट पे तो मुझे पता चला ये जो जेट्रोफा नाम का जो प्लांट होता है ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। इसको अगर कोई खा लेना तो फिर इसको खाने से डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने घर से दूर थोड़े से सामने वाले खेत में लगा दिया। लेकिन इस खेत में जो भी जानवर चरने के लिए आते हैं ना, मैंने सबके मालिकों को बता दिया है कि ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा पॉइजनस है, तो इस वजह से मालिक भी अपने जानवरों को इससे बचाते हैं। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसके साथ में क्या करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन अगेन ये पॉइजनस है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इसकी वजह से किसी बच्चे को या फिर किसी जानवर को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि मुझे अभी और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप मुझे ज़रूर से अपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे इसके साथ में आखिर क्या करना चाहिए। तो क्योंकि इतना सुंदर प्लांट मैं बिल्कुल भी वाकई में बिल्कुल भी फेंकना चाहती नहीं हूँ, लेकिन अगेन फिर ये डर लग जाता है कि अगर इसको किसी जानवर ने खा लिया। बच्चों को तो मैं मना कर दिया है, मैंने सबको बता दिया है कि ये प्लांट पॉइजनस है, लेकिन अगर इसको किसी जानवर ने खा लिया तो उसको भी दिक्कत हो जाएंगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको फेंकना ही पड़ेगा। अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो डिसीजन लेने में, क्योंकि प्लांट्स वेट कर वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।